हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द रेनफॉल इन एमएम इन अ सिटी ऑन 7 डेज ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हफ्ते के 7 दिन हैं। और किसी शहर में किसी हफ्ते के 7ों दिन में कितनी बारिश हुई है उसका ये डाटा दे रखा है। और ये ब्रैकेट में जो एमएम लिखा हुआ है ये रेनफॉल की यूनिट होती है। रेनफॉल को हम एमएम में डिनोट करते हैं। तो ये डाटा दे रखा है कि मंडे को 0.0 एमएम रेनफॉल हुई है, ट्यूसडे को 12.2 एमएम रेनफॉल हुई है, इसी तरह 7ों दिन की दे रखी है। आपसे ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। इस डाटा को देखकर बताइए कि इसमें रेंज क्या है, रेनफॉल की रेंज क्या है। तो रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, हमें निकालना है रेंज। तो रेंज का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब वैल्यूज पे ध्यान देते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। देखिए, सबसे बड़ी यहां पे जो मुझे दिखाई दे रही है, ये तो 0 है, 2, ये 2 है, ये 12 है, ये 20 है, ये 5 और ये 1 है। सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर 20.5 है। तो 20.5 माइनस लोवेस्ट वैल्यू, सबसे कम क्या है, सबसे कम इसके अंदर ये 0 ही तो है, 0.0, तो 0.0। और ये ब्रैकेट में ले लूंगा मैं, क्योंकि ये रेनफॉल है तो ये एमएम में डिनोट होगी। बस अब इनका डिफरेंस करना है मेरे को, तो 20.5 में से 0 माइनस करना है। तो किसी में से भी आप 0 जब माइनस करते हैं तो आंसर तो वही आता है, 20.5 ही आएगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड में कहा है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, यानी मीन रेनफॉल निकालनी है अब आपको। तो मीन का फॉर्मूला होता है, सेकंड के लिए मीन रेनफॉल, जो चीज निकालते हैं उसको आप यहां लेफ्ट में जरूर लिखें, मीन रेनफॉल। अब फॉर्मूला लिखते हैं मीन का। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जितने भी ये जो डाटा है, जो नंबर आपको दे रखे हैं, इनका ऊपर आपको सम करना है। तो ऊपर ऊपर इनका सम कर लेते हैं। तो पहली जो वैल्यू है वो है 0.0, दूसरी वैल्यू है 12.2, तीसरी वैल्यू है 2.1, उसके बाद 0.0 है, फिर फ्राइडे की वैल्यू है 20.5, और यहाँ सैटरडे की वैल्यू है 5.5 प्लस, और संडे की वैल्यू है 1.0। ये तो हुआ इनका सम। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 होंगी पूरी की पूरी, क्योंकि 7 दिन का डाटा दे रखा है, तो इसको 7 से डिवाइड करना है। अब इनका सम कर लेते हैं। सम में डेसिमल में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो ध्यान से देखना, 0.0 ये पहली वैल्यू है, इसमें 12.2 जोड़ना है, तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए, याद रखना, जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब पॉइंट से इधर तो 12 लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ, और पॉइंट से पहला नंबर इधर ये 2 है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसी तरह आप अगली वैल्यूज का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पॉइंट के पॉइंट आ गया, इधर 2 है, इधर 1, 0.0 दिखाना है, ये पॉइंट, ये 0 और ये 0, 20.5 दिखाना है, तो पहले तो पॉइंट ही लगा लो, और इधर 0 और ये 2, तो ये 20 हो गया इधर, और ये पॉइंट के बाद 5, 5.5 दिखाना है, पहले पॉइंट लगा लो, इधर 5 हो गया और इधर 5 हो गया, 1.0 दिखाना है, तो पॉइंट लगा लो, इधर 1 होगा, इधर 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सबको अब ऐड कर लेते हैं। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट ही आएगा, सबसे पहले आप ये पॉइंट ही लगा लिया करो। अब इधर ऐड कर देते हैं 2, 3, और ये 10, 13 हो गया, 3 यहाँ आ गया और ये यहाँ पे कैरी चला गया, इधर प्लस कर ले, 4, 5, 10, 11, ये 1 हो गया और 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 1, 2, 3, 4, 41.3। तो ऊपर जो इनका सम आएगा ये आएगा 41.3, इसको 7 से डिवाइड करना है। अब इसे 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 से डिवाइड इसको यहाँ कर देते हैं, 41.3 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 का टेबल पढ़ता हूँ मैं, तो 7, 5 जा 35 पे जाएगा ये, 7, 5 जा 35 हो गया, माइनस करेंगे 11 में से 5 गया तो 6 आएगा,
और यहाँ पे थ्री बचेगा, थ्री में से थ्री गया जीरो, कुछ नहीं बचा। ऊपर से उतारेंगे थ्री, यहाँ आ गया। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आंसर में। अब सेवन नाइन जार 63 होता है, तो ये 63 आ गया और पूरा ये सॉल्व हो गया। वैल्यू आई है 5.9, 5.9, और ये रेनफॉल दिखा रहे हैं हम, तो 5.9 mm जरूर लिखना आप। तो ये 5.9 mm मीन रेनफॉल है। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। देखिए चार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट में जो पूछा है आपसे, ऑन हाउ मैनी डेज, कितने दिन वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ऐसे यहाँ पे कितने दिन हैं जब रेनफॉल मीन रेनफॉल से भी कम है। मीन रेनफॉल कितनी आई है 5.9, तो हमें ये देखना है कि 5.9 से कितने वो दिन है जब 5.9 से भी कम हो रही है यहाँ पे बारिश। तो बस ये देखना है कि वैल्यूज 5.9 से कम कितनी जगह पे है। देखिए मंडे को है, यहाँ पे इसका आंसर मैं लिखता हूँ थर्ड के लिए, ये हम थर्ड का कर रहे हैं यहाँ पे। तो मंडे को जो है 5.9 से कम है, ट्यूसडे को 5.9 से ज़्यादा है, वेडनसडे को कम है, तो वेडनसडे हो गया। थर्सडे को कम है, ये थर्सडे हो गया, और फ्राइडे को तो इससे ज़्यादा है। सैटरडे को कम है 5.9 से, तो सैटरडे हो गया, और संडे को भी 5.9 से कम है, ये संडे हो गया। तो ये 5 दिन है, 5 दिन जो है मीन रेनफॉल से भी कम बारिश हुई है सिटी के अंदर। तो हमारा जो आंसर होगा थर्ड के लिए वो होगा 5 days। बस क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।